ये कहानी एक किसान गरीब गणेश की है। गणेश की बीवी शांति, जो कि लोगों के घरों के काम करती थी, ये दोनों बहुत ही गरीब हुआ करते हैं और दोनों ही खेतों में काम किया करते थे। इनकी एक बेटी जिसका नाम था निकी। निकी बहुत ही छोटी थी, जिसको पाल पोसने के लिए ये लोग ये खेतों में काम करते थे। निकी, उसकी माँ शांति और पिता गणेश, ये लोग बहुत ही मेहनती थे। गणेश अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हम लोग खेतों में काम करने के लिए कुछ न कुछ हमें जमीन की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें कहती हो तो तुम्हें मेरा ये मशवरा कैसा लगता है कि मैं जाऊं सेठ जी के पास और जमीन का मुतालबा करूं? गणेश की पत्नी शांति गणेश से कहती है, सुनिए जी, अगर आपको सही लगता है जमीन का मुतालबा करना तो आप चले जाइए और सेठ जी से जमीन मांग लीजिए। गणेश जैसे कैसे करके सेठ जी के पास जाता है और कहता है कि सेठ जी, क्या आप मुझे अपनी जमीन दे सकते हैं? मैं उसमें खेती बाड़ी करूंगा और आप जितने पैसे मांगेंगे मैं आपको दूंगा। सेठ उससे कहता है, ठीक है, मुझे 20,000 रुपए तुम मुआवजा दो, मैं तुम्हें जमीन देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, हर महीने मुझे मुआवजा अलग मिलेगा और जमीन के जो ब्याज है वो अलग मिलेगा और बिल्कुल टाइम से मिलेगा। अगर तुम मुझे टाइम से नहीं दोगे तो मैं तुम्हें से जमीन वापस ले लूंगा। तुम जाओ खेती बाड़ी करो। गणेश और जमींदार दोनों आपस में एक दूसरे से सिला मशवरा करके जमीन का लेन देन का सौदा कर ही लेते हैं और गणेश जाता है जमीन में खेती बाड़ी करने के लिए। वो खूब मेहनत करता है। ये किसान ऐसा था जो दिन रात मेहनत करके कमाता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर और पत्नी की खातिर। गणेश की पत्नी गणेश के पास आती है और कहती है, सुनिए जी, आप क्यों परेशान यहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा? मौसम देखा है तुमने? मौसम का हालात कैसा चल रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे बारिश होने वाली है और मैं बहुत ही चिंतित हूँ। अगर बारिश हो गई तो मेरा सारा का सारा खेत तबाह हो जाएगा। मैंने ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया है, उसके आने वाले कल के लिए, कि मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर दूँ उसकी शादी करने के लिए। सुनिए जी, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। बारिश का होना ना होना ये सब ऊपर वाले की है। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? बारिश हुई तो भगवान इसका मालिक है, ठीक है? आप चिंता नहीं करें, ऐसे ही अपनी तबीयत खराब करेंगे। चले आए मेरे साथ घर चले। अरे नहीं भाग्यवान, तुम नहीं समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं चिंतित हूँ। इतने में जोरदार कतार से तेज तेज से बारिश हो रही होती है और गणेश के सारे खेत तबाह हो जाते हैं। गणेश की और शांति की बेटी निकी आती है और कहती है, माँ बाबूजी, जल्दी से घर आइए, पूरा घर तबाह हो चुका, सब कुछ तबाह हो चुका है। गणेश और उसकी बीवी शांति जैसे ही घर आती है, देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी फैला हुआ है। घर भी बिल्कुल बिखर चुका है, सारा अनाज सब खत्म हो चुका है। माँ माँ, अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है। ये बारिश हमें तबाह करके ले गई है, ये बारिश हम गरीबों के लिए ही होती है। अरे बेटा, तुम हम लोगों की फिक्र नहीं करो, बस थोड़ा बहुत जो कुछ बचा पड़ा है वो मैं तुम्हें पका के देती हूँ, तुम खा लो, अपना पेट भर के सो जाओ। इतने में सेठ जी आता है, यानी के जमीन का मालिक, और शांति से और गणेश से कहता है, सुनो, तुम्हारे फसलें और खेत तबाह हो चुके हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम मेरी जमीन और मेरे पैसे सुसमेत मुझे वापस। सेठ जी से जो है वो गणेश कहता है कि सेठ जी, मुझे पता है मेरे खेत तबाह हो चुके हैं और मुझे आपके पैसे देने हैं। सेठ जी प्लीज, मेरे पति पे कुछ दया कीजिए, कुछ जरा सी दया कीजिए, वो आपको सुसमेत पैसे वापस दे देगा। अरे मैंने तुम दोनों का क्या ठेका लेके रखा है? ये तुम्हारी बेटी का ठेका लेके रखा हुआ है। तुम लोग मुझे अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, मेरी जमीन और मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। ये कहता हुआ गणेश और शांति को विदा करता है वहाँ का जमींदार का मालिक। शांति अपने पति से कहती है, सुने, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ, मैं लोगों के घरों का काम करके सेठ जी के पैसे पूरी करके दे दूंगी। इतने में गणेश एक खेत में खड़ा होता है और
सेठ जी का बेटा जो है वो चिल्लाता हुआ गणेश के पास आता है और गणेश से मदद मांगता है। कहता है कि अंकल ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं काफी देर से, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। गणेश को पता होता है कि ये जमींदार का बेटा राकेश ही है। गणेश राकेश से कहता है अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। रुको सुनो, तुम लोग जाते हो कि नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अगर तुम लोग यहाँ से अभी नहीं गए तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगा और वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। गणेश की ये सारी बातें वो दोनों चोर बड़े गौर से सुन रहे होते हैं और डर जाते हैं। इतने में वो दोनों चोर भागते हैं और जोर जोर से ये कहते हैं भागो 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 भागो, ये हमें पुलिस के हवाले कर देगा, भागो 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 भागो। ये कहते हुए वो दोनों चोर भाग जाते हैं और गणेश जो है अपने पिताजी के पास आता है और पिताजी को कहता है पिताजी आपको पता है मैं गांव के खेत में जा रहा था इस तरह से ही मौसम का हालचाल देखने के लिए, वहां पे तो आदमी मुझे मारने ही लगे थे कि अंकल ने मुझे बचा लिया। यहां पे जो है जमींदार गणेश के पास आता है और अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है और वो गणेश से कहता है कि गणेश तुमने आज मेरे लिए बहुत ही भला काम किया है, तुम्हें पता है राकेश हमारा जो है इकलौता बेटा है, अगर तुम आज उसे नहीं बचाते तो मैं और मेरी पत्नी चीति जी मर जाते, मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूं। अरे सेठ जी ऐसी क्या बात है, जैसे ये आपका बेटा है ये मेरा भी बेटा है, मैं समझ सकता हूँ कि आप पे क्या बीत रही होगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मुझे अपनी बेटी की आगे कल का सोचना, इसलिए मैंने आपसे खेत लिए थे। यहाँ पे जो है गणेश वो सेठ जी से यही बातें कर रहा होता है कि सेठ जी दो चोर आए थे, किस तरह से वो राकेश को लूटने की कोशिश कर रहे थे, बस मैं अचानक वहां पहुंचा और वो मुझे देख के भाग गए, मैंने उन्हें पुलिस की धमकी दी थी। हाँ मुझे राकेश ने सब कुछ बताया है, तुम चिंता नहीं करो मैं तुम्हारी आगे आने वाले वक्त में पूरी से पूरी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए भी पूरा पूरा साथ दूंगा और हाँ उसके आने वाले वक्त और कल के लिए भी मुस्तकबिल के लिए भी मैं उसकी पढ़ाई का भी सारा खर्चा उठाऊंगा और तुम्हारा घर भी पक्का करके दूंगा। ये सुन के गणेश जो है वो बहुत ही खुश होता है और गणेश जो है वो वापस से खेतों में काम करने के लिए चला जाता है, क्योंकि बारिश रुक चुकी होती है, खेत जो है वो हरे भरे हो चुके होते हैं। गणेश की दिन रात मेहनत के बाद खेतों में अच्छा खासा सरसों उग के आता है और सेठ जी जो होते हैं वो गणेश को ये खेत तोहफे में दे देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा है, क्योंकि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, अब जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा।